हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल इन दिस क्लास दाउस एक ऐसा घर जिसकी सोने की खिड़कियां हैं दिस इज फ्रॉम योर इंग्लिश बुक कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज दिस इज गिवेन ऑन पेज नंबर वन लेट्स स्टार्ट वार्म अप एक्सरसाइज वर्क इन पेयर्स Look at these pictures they show different kinds of windows नीचे जो पिक्चर है उसमें आपको अलग-अलग तरह की खिड़कियां दिख रही हैं व्हिच वन डू यू लाइक बेस्ट टेल योर पार्टनर व्हाई इनमें से आपको कौन सी विंडो ज्यादा पसंद है आपको अपने पार्टनर को बताना है और ये भी बताना है कि ये विंडो आपको क्यों पसंद है नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीड द स्टोरी अबाउट अ बॉय सेट ऑफ टू लुक फॉर गोल्डन विंडोज आइए पढ़ते हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जो विंडोज जो गोल्डन कलर की है ऐसी विंडोज को ढूंढने निकल पड़ता है लॉन्ग लॉन्ग अगो इन विलेज इन स्कॉटलैंड बहुत पहले की बात है स्कॉटलैंड के एक गांव में लिटिल बॉय नेम स्टीव लिव्ड ऑन अ फार्म। एक छोटा सा बच्चा स्टीव एक फार्म में खेतों में रहता था एवरी डे आफ्टर स्कूल एंड ड्यूरिंग द वीकेंड स्टीव हेल्प हिज फादर इन द फील्ड एंड टुक केयर ऑफ द फार्म एनिमल्स प्रतिदिन स्कूल से आने के बाद और साथ ही साथ वीकेंड्स यानी जब वीक का एंड वाला दिन होता है सैटरडे और संडे को वो क्या करता था हेल्प फादर स्टीव अपने फादर की हेल्प करता था फील्ड की खेतों की देखभाल करने में सहायता करता था और साथ ही साथ वो जो उनके खेतों पे जानवर थे उनकी भी देखभाल करता था बट एट द एंड ऑफ ईच डे लेकिन हर दिन के अंत में जब दिन खत्म हो जाता था जब काम खत्म हो जाता था और सूर्य अस्त होने लगता था सनसेट होने लगता था there केम an आर विच वॉज ऑल हिज ओन एक घंटा उसे ऐसा मिलता था वो समय आता था जो उसका अपना खुद का समय होता था when this time came Steve would often stroll to the top of a hill near his house and look across at another hill a long way away और जब उसका ये टाइम आता था तो स्टीव क्या करता था स्टीव पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता था stroll means धीरे-धीरे मस्ती में ऊपर चढ़ना तो वो ऊपर चढ़ जाता था पहाड़ी पर जो उसके घर के पास थी और वहां से वो सामने वाली पहाड़ी की तरफ देखता था देर ऑन दिस स्टूड अ हाउस विद वहाँ दूर पहाड़ी पर एक ऐसा घर था विंडोज शाइनिंग लाइक गोल्ड जिसकी खिड़कियां गोल्ड की तरह यानी सोने की तरह चमकती थी एज द सन वेंट डाउन ही वुड सिट ऑन हिल वॉचिंग दिस हाउस और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता था वो पहाड़ी पे चढ़कर उस घर की खिड़की की ओर निहारता था उसे देखता था दिन्डो शोन सो ब्राइटली मेड स्टीव ब्लिंक वेन ही लुकड एट वो खिड़कियां इतनी जोर से चमकती थी कि जब स्टीव उनकी तरफ देखता था तो उसकी आंखें ब्लिंक यानी बार बार खोलना बंद करना उसकी आंखें चौंधिया जाती थी जैसे कि हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं हम उसे लगातार नहीं देख पाते तो ऐसे ही वो खिड़कियां भी सुनहरे रंग से चमकती थीं। शटर्स और थोड़ी देर के बाद कोई खिड़कियों का दरवाजा बंद कर देता था एंड ही न्यू इट वॉज टाइम टू गो होम फॉर सपर और वो जान जाता था कि अब घर पर जाकर रात के खाने का समय हो गया है वन सैटरडे स्टीज फादर टोल्ड हिम एक दिन सैटरडे को स्टीव के फादर ने उससे कहा यू हैव अर्नड अ हॉलिडे तुम्हें एक छुट्टी मिली है टेक अ डे ऑफ टुडे एंड ट्राई टू लर्न समथिंग गुड आज की छुट्टी ले लो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो स्टीव वाज डिलाइटेड डिलाइटेड मींस हैपी खुश स्टीव खुश हो गया ही थैंक्ड हिज फादर उसने अपने फादर को थैंक यू कहा उनका धन्यवाद किया एंड देन स्टार्टेड ऑफ फॉर द हाउस विद द गोल्डन विंडोज और फिर उस घर की तरफ चल पड़ा जिसकी खिड़कियां सुनहरे रंग की थीं जिसकी खिड़कियां गोल्ड की थीं ऐसा उसे लगता था आफ्टर ट्रजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी मेहनत से काफी देर तक चलने के बाद जब हम पहाड़ी पर ऐसे ऊपर चढ़ते हैं तो चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है और हमारी स्पीड भी धीरे होती है तो काफी मेहनत से काफी लंबे टाइम तक चढ़ने के बाद स्टीव अ बिग हिल स्टीव एक बड़ी सी ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया एट द टॉप वॉज द हाउस ही फॉर और उसके ऊपर एक घर था जिसको वो ढूंढ रहा था स्टीव हरी टू इट, बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट इट डिड नॉट हैव गोल्डन विंडोज स्टीव जल्दी-जल्दी वहां तक गया लेकिन वहां जाकर वो निराश हो गया क्योंकि उस घर की खिड़कियां गोल्ड की नहीं थीं दे वर मेड ऑफ क्लियर ग्लास लाइक एनी नॉर्मल वंस वह खिड़की क्लास की थी यानी कांच की थी जैसे कि अन्य खिड़कियां होती हैं अ वोमेन केम टू तभी एक woman, एक महिला दरवाजे के पास आई मिसेस इम और स्टीव हैरान हो गया क्योंकि वो जो लेडी आई थी दरवाजे की तरफ वो मिसेस कैम्पबेल थी अ फ्रेंड ऑफ हिज मदर्स उसकी माँ की वो एक दोस्त थी हेलो स्टीव शी एक्सक्लेम्ड वो खुशी से बोली हेलो स्टीव उन्होंने स्टीव को ग्रीट किया हाउ नाइस टू सी यू हेयर तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा डिड योर मदर सेंड यू फॉर समथिंग क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने किसी काम के लिए भेजा है शी आस्क्ड स्टीव वेरी काइंडली उन्होंने बहुत प्यार से स्टीव से पूछा भी किसी और चीज के लिए आया हूँ एट द एंड ऑफ एवरी डे आई सी योर गोल्डन विंडोज फ्रॉम द टॉप ऑफ नियर आर फॉर्म मैं हमारे खेतों के पास जो ऊंची पहाड़ी है वहां से प्रतिदिन आपके घर की गोल्डन खिड़कियों को देखता हूँ स्टीव एक्सप्लेन स्टीव ने एक्सप्लेन किया एंड नाउ आई हैव कम हियर टू सी देम और अब मैं यहाँ उन्हें देखने आया हूँ बट आई फाइंड दैट दे आर ओनली ग्लास लेकिन यहाँ आकर मैंने पाया कि ये तो केवल कांच की खिड़कियां हैं मिसिस कैम्बल मूव्ड हर हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड लाफ्ट मिसेस ने अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया और वो हसी वी आर पुअर फार्मिंग पीपल शी हम गरीब किसान हैं, उन्होंने कहा आई डोंट थिंक विल एवर बी एनी गोल्ड ऑन आर विंडोज और मुझे नहीं लगता कि हमारी खिड़की पर कभी भी गोल्ड होगा कभी भी सोना लगेगा एनी वे ग्लास इज बेटर देन गोल्ड टू सी थ्रू और फिर वो कहती है फिर भी कोई बात नहीं ग्लास यानी शीशा जो है आर पार देखने के लिए सोने से अच्छा है अगर आपकी खिड़की के ऊपर शीशा ना होकर के सोना हो तो क्या आप बाहर देख पाएंगे और क्या रोशनी अंदर आएगी नहीं आएगी इसलिए कांच ही खिड़की के लिए बेटर ऑप्शन है शी आस्ट स्टीव टू सिट डाउन एंड रेस्ट और उन्होंने स्टीव को बैठकर आराम करने के लिए कहा शी ब्रॉट हिम अ कप ऑफ मिल्क एंड सम केक और वो उसके लिए एक कप दूध और केक लेकर आईं। She then called her little girl Paula, a child of his own age, to sit with him. और फिर उन्होंने अपनी बेटी पॉला को बुलाया जिसकी उम्र स्टीव के जितनी ही थी कि वो आकर स्टीव के पास बैठे मिसेस कैम्पबेल वेंट बैक टू हर वर्क और मिसेस कैम्पबेल वापस अपने काम पर चली गईं लीविंग द टू चिल्ड्रन टुगेदर टू टॉक एंड प्ले उन दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर कि वो आपस में बातें करें और खेलें क्योंकि उनकी उम्र एक बराबर थी स्टीव एंड पोला वंडर्ड अराउंड हर फैमिलीस फार्म स्टीव और पोला अपने परिवार का जो फॉर्म था खेत था उसके चारों तरफ घूमते रहे हिम हर ब्लैक काफ़ प्रिंसेस हैड अ वाइट स्टार ऑन इट्स और पॉला ने उसे ब्लैक काफ काले रंग का काफ काफ कहते हैं गाय के बछड़े को गाय का बछड़ा दिखाया जो काले रंग का था और उसका नाम था प्रिंसेस और उसके फोरहेड पे यानी माथे पर एक स्टार था कैट एंड के ऊपर चढ़े बिल्ली और उसके बच्चों को देखने के लिए सुन दे बिकेम फ्रेंड्स और जल्द ही वो दोस्त बन गए एंड स्टीव आज हर अबाउट द गोल्डन विंडोज और फिर स्टीव ने उससे उन गोल्डन विंडोज के बारे में पूछा सोने की खिड़कियों के बारे में पूछा पॉला कि वो उनके बारे में जानती है यू हंसी कि तुमने गलत रास्ता ले लिया है कम विद मी टू द टॉप ऑफ द हिल बिहाइंड आर हाउस चलो मेरे साथ पहाड़ी के ऊपर जो हमारे घर के पीछे है एंड आई शो यू द हाउस यू आर लुकिंग फॉर और फिर मैं दिखाऊंगी वो घर जिसे तुम ढूंढ रहे हो सन गोज ड्राउन और जब वो साथ साथ चल रहे थे तो उसने बताया स्टीव को कि वो गोल्डन विंडोज केवल तभी देखी जा सकती है जब सूर्य अस्त हो रहा हो जब सन सेट हो रहा हो दे वेटेड एंड जस्ट एज दॉ स्टार्टिंग टू गो डाउन पॉला टर्न एंड पॉइंटेड उन्होंने इंतजार किया और जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा पॉला ने इशारा किया उस like और तुम्हारी ही तरह मैं भी एक दिन जाऊंगी और उस घर को देखूंगी दे आर ऑन अ हिल फार अवेज टू दाउस विद विंडोज ऑफ गोल्ड वहां पर पहाड़ी से दूर एक घर था जिसकी खिड़कियां गोल्ड की थीं। लुकिंग एट इट उसकी तरफ देखते हुए स्टीव ने देखा कि ये तो उसका अपना ही घर था तो फिर उसकी खिड़कियां गोल्डन फ्लेम्स यानी सुनहरे आग की लपटों की तरह क्यों जल रही हैं? सडनली स्टीव रियलाइज वॉट हैड हैपेंड तभी अचानक स्टीव ने यह महसूस किया कि क्या हुआ होगा द द द गोल्डन रेज ऑफ सेटिंग सेटिंग सन सन फेल ऑन बोथ अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें दोनों पहाड़ियों पर पड़ती हैं एंड मेड द ग्लास विंडोज ऑफ बोथ द हाउस ग्लिटर लाइक गोल्ड और उसी रोशनी से दोनों पहाड़ियों के ऊपर जो दो घर हैं एक तरफ उसका और दूसरी तरफ पोला का उनकी जो खिड़कियां हैं वो सोने की तरह चमकने लगती हैं थैंक्स पोला एंड गुड बाय सेड स्टीव स्टीव ने पोला का थैंक यू किया और गुड बाय कहा आई नीड टू गो होम बिफोर इट गेट्स टू डार्क मुझे घर पहुंचना है इससे पहले कि बहुत अंधेरा हो जाए हिल और पॉला उस पहाड़ी पर ही खड़ी रही उसे जाते हुए देखती रही और उसे वेव करती रही हाथ हिलाती रही द सन हैड संक बिलो द होराइजन बाय द टाइम स्टीव रिटर्न होम और तब तक सूर्य अस्त हो चुका था जब तक स्टीव घर पहुंचा बट द लैम्प लाइट शोन थ्रू द विंडोज ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज द गोल्डन विंडोज ही हैथ सीन लेकिन लैंप की जो लाइट थी वो अभी भी ऐसे ही चमक रही थी बिल्कुल उस गोल्डन खिड़की की तरह जो उसने देखी थी वेन ही ओपन जब उसने दरवाजा खोला his mother came over to hug him. उसकी ने आकर उसे गले लगा लिया। और उसके पिता जो आग के पास बैठे थे वो उठे और स्टीव को देखकर मुस्कुराए डिड यू अ गुड डे आस्क्ड हिज फादर क्या तुम्हारा दिन अच्छा था पिताजी ने पूछा ये सेट स्टीव अ वेरी गुड डे हाँ आज का दिन बहुत अच्छा था डिड यू लर्न एनी थिंग आस्ट हिज फादर उनके पिताजी ने पूछा कि क्या तुमने कुछ सीखा यस सेड स्टीव हाँ स्टीव ने कहा आई लर्न दैट आर हाउस टू हैज विंडोज ऑफ गोल्ड मैंने ये सीखा कि हमारे घर की भी खिड़कियां गोल्ड की है सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द चैप्टर आई होप यू हैव अंडरस्ट इफ यू लाइक दीडियो डोन्ट फॉर गेट टू प्रेस ऑन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सी यू टिल देन बाय बाय। हैव अ गुड डे